अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शेख बुटीक। हम आज आपको कुर्ती का नाप लेने का तरीका बताएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल पे आपको बता रहे हैं। जो बिगिनर्स है, जिसको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, आप मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रहता है कुर्ती का लंबाई। ये देखिए कुर्ती का नाप मेजरमेंट। पहले लंबाई लेना है, फिर उसके बाद तीरा लेना रहता है, फिर बगल, छाता, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, हिप की लंबाई, हिप की चौड़ाई, दामन, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की चौड़ाई, गला सामने का और पीछे का, इतना ये मेजरमेंट का प्रोसेस रहता है। अभी हम बताएंगे कुर्ती पे कैसा लिया जाता है। सबसे पहले ये देखिए, कुर्ती को इस तरह से बिछाना है। जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए। आप मैं इजी तरीके से बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, कुर्ती को इस तरह से बिछा लें। सबसे पहले आपको कुर्ती का लंबाई लेना है। कुर्ती की लंबाई लेने के लिए ये देखिए मेजरमेंट का आपको इस तरह का इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए शोल्डर से आपको इसके नीचे तक का हिस्सा लेना है इस तरह से। ये देखिए ये शोल्डर हो गया, ये नीचे तक इसकी लंबाई है 35 इंचेस। इस तरह से पहले लंबाई ली जाती है नीचे तक। देखिए 35 इंचेस है इसका लंबाई। और अब उसके बाद हम लेंगे और आपको साथ ही साथ लिखना है। ये देखिए लंबाई 35 इंचेस लंबाई। अभी हमको तीरा लेना है। तीरा इसको कहते हैं जो शोल्डर रहता है, शोल्डर या तीरा, कंधे भी कहते हैं, जो भी आपके लैंग्वेज में यूज़ होता है वो आप कह सकते हैं। ये देखिए शोल्डर को यहाँ से नापा जाता है, जो ये आस्तीन का जो रहता है साइड का सिलाई, तो यहाँ से यहाँ तक इसको नापा जाता है। देखिए इस तरह से नापना है इसको। ये 12 इंचेस आ रहा है, आपको इस तरह से फैलाना नहीं है, एकदम अच्छे से रखना है, यहाँ से इसको सही करना है। ये देखिए ये 12 इंचेस आ रहा है, तो यहाँ पे तीरे के पास लिखेंगे 12 इंचेस। अब आएगा बगल। ये देखिए बगल इस तरह से मापा जाता है। यहाँ पे देखिए इसका बगल आ रहा है 6 इंचेस। यहाँ पे 6 इंचेस लिखना है। अभी आएगा छाता। ये देखिए छाते की चौड़ाई लेना है। ये देखिए यहाँ से देखिए ये 16 इंचेस आ रहा है। अपने अपने कुर्ती के हिसाब से रहता है मेजरमेंट, हो सकता है आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये देखिए छाता 16 इंचेस। ये बिगिनर्स के लिए है, जो नया सीखने वाले हैं उनके लिए बताया जा रहा है। जिनको परफेक्ट सिलाई आती है तब इस तरह से नहीं लेते हैं, शोल्डर के हिसाब, ये छाते के हिसाब से शोल्डर और बगल लिया जाता है। लेकिन वो आगे आएगा जब पूरा आप सीख जाएंगे। अगर कुर्ती से नाप लेना है तो इसी तरह से लिया जाता है। छाता हो गया। अभी हम लेंगे कमर की लंबाई, जो कमर का जो गोलाई का हिस्सा रहता है। ये देखिए ये जो गोलाई का हिस्सा रहता है कमर का, यहाँ से ऊपर से शोल्डर के पास से इसको टेप को डालते हुए, ये देखिए कमर का जो गोलाई का हिस्सा रहता है ये 12 इंचेस आ रहा है। ये देखिए कमर की लंबाई 12 इंचेस। अभी कमर की चौड़ाई लेंगे। जो ये कमर की चौड़ाई है ये देखिए ये 15 है 15 है। ये देखिए कमर की चौड़ाई 15। अभी हिप की लंबाई, जो चाक का लंबाई रहती है, वो जो आपका चाक आएगा, ये देखिए शोल्डर के पास से आपके चाक के पास, जो यहाँ पे जो खुला साइड रहता है इस तरह से नापा जाता है। देखिए चाक यहाँ से नापना है। ये देखिए चाक की लंबाई आपको लेना है। यहाँ पे देखिए 17 इंचेस पे आ रहा है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने कुर्ती के हिसाब से 17 इंचेस हमने यहाँ पे
लंबाई डालिए। अभी हिप की चौड़ाई, जो चाक का ये हिस्से से ये हिस्से में आता है उसको कहते हैं हिप की चौड़ाई। यहाँ देखिए, इसको अच्छे से इस तरह से बराबर करना है दोनों चाकों के पास। देखिए ये जो खुली साइड रहती है, चाक का हिस्सा रहता है यहाँ पे, इसको अच्छे से इस तरह से लेना है। ये देखिए यहाँ पे 18 इंचेस आ रहा है, 18 इंचेस हिप की चौड़ाई है, 18 इंचेस। अभी आएगा नीचे दामन। देखिए जो दामन नीचे का रहता है जो हिस्सा, ये देखिए ये 20 इंचेस आ रहा है, 20 दामन 20। अभी आएगा आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की चौड़ाई। आस्तीन की लंबाई चाहे हाफ आस्तीन हो चाहे फुल आस्तीन हो, इसी तरह से लिया जाता है। लंबाई लेते हैं पहले, ये देखिए 18 इंचेस आ रहा है, आस्तीन की लंबाई है 18 इंचेस। आस्तीन की चौड़ाई लेना है जो कलाई का नीचे का हिस्सा रहता है, ये देखिए 4.5 आ रहा है। इसी तरह से आप भी मेजरमेंट अपने कुर्ती का इजी से ले सकते हैं। यदि अगर आपका आस्तीन छोटा है तो आप जहाँ तक आपका आस्तीन है वहाँ तक ही इस तरह से ये शोल्डर के पास से आपको पकड़ना है। यहाँ से इस तरह से टेप लेके आपको आपका जहाँ तक, अगर आपका यहीं तक है 5 इंच का आस्तीन है तो यहीं तक आप लेना है, फिर उसकी चौड़ाई यहाँ से लेना है। अगर आपका फुल आस्तीन है तो इस तरह से लेना है, जो पौन आस्तीन हो फुल आस्तीन हो, लेकिन पूरी लंबाई लेना है, जितनी आपकी आस्तीन की लंबाई पूरी लेना है, जितनी आपकी आस्तीन की चौड़ाई है पूरी लेना है। अभी ये हो गया, अभी ये नेक का है। ये देखिए ये नेक बहुत छोटा है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई है 4 इंचेस, चौड़ाई 4 इंचेस है, नेक की चौड़ाई है 4 इंचेस। नेक की लंबाई पीछे का और सामने का सेम रहता है चौड़ाई में, लंबाई में देखिए ये 5 इंचेस है और ये पीछे का 4.5 है। तो इस तरह से लिखते हैं लंबाई, ये चौड़ाई 4 इंचेस है, लंबाई फ्रंट की है 5 इंचेस। ये देखिए पीछे का है 4 इंचेस चौड़ा है, लंबाई है 4.5 इंच। तो इस तरह से ये मेजरमेंट लिया जाता है। अब लेने के बाद जब हम कुर्ती को कट करते हैं तो कपड़े पे इस तरह से खुला करके नहीं कट करते, तो इसको इस तरह से फोल्ड करके कट करते हैं। तो फोल्ड करने के बाद मेजरमेंट फोल्ड हाफ हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद मेजरमेंट पूरा हाफ हो जाएगा। ये देखिए जो जो हाफ हुआ है, ये देखिए लंबाई हाफ नहीं हुई है क्योंकि लंबाई तो उतनी ही रहती है। जो जो फोल्ड हुआ है, ये देखिए तीरा फोल्ड हुआ है हमारा, तीरा जो हमारा 12 था तो यहाँ पे 6 हो जाएगा आधा कर, क्योंकि ये इस तरह से फोल्ड हो गया है तो ये हाफ हो जाएगा इसका। अभी क्या है, बगल देखिए बगल को फोल्ड नहीं किया है तो बगल उतना ही रहेगा। देखिए अभी छाता, छाते का ये देखिए 16 था छाता, तो जब ये हम फोल्ड करें तब क्या हो गया, ये कम हो, ये हाफ हो गया। तो यहाँ 16 का हाफ आधा कितना हो गया, 8 इंचेस। तो यहाँ पे 8 इंचेस जब हम कुर्ती कट करते हैं तो इसी तरह से फोल्ड करके ही कट करना पड़ता है। तो सब मेजरमेंट को हाफ हाफ किया जाता है, जो लंबाई रहती है उसको हाफ नहीं किया जाता है। जो इस तरह से जो जो भी फोल्ड हुआ है, ये देखिए लंबाई हमारी फोल्ड नहीं हुई है, तीरा फोल्ड हुआ है, छाता फोल्ड हुआ है, कमर की लंबाई फोल्ड नहीं हुई है, कमर की चौड़ाई फोल्ड हुई है। देखिए कमर की चौड़ाई 15 थी तो इसका हाफ हो गया 7.5 इंचेस। हिप की लंबाई फोल्ड नहीं हुई है, जो लंबाई रहती है फोल्ड नहीं होती, जो आड़े में जो हिप की चौड़ाई है वो फोल्ड हुई है। तो ये फोल्ड का देखिए, हिप का फोल्ड ये 7.5, ये 17 है, 17 का हाफ 8.5 इंचेस हो गया। ये लंबाई का हाफ नहीं होता है, चौड़ाई का हाफ होता है। चौड़ाई का हाफ 18 है, 18 का हाफ चौड़ाई 18 है, 18 का हाफ 9 इंचेस होगा। ये देखिए 9 इंचेस। दामन 20 है, 20 का हाफ, ये देखिए दामन भी फोल्ड हुआ है। ये देखिए फोल्ड होने के बाद ये 20 का हाफ कितना होगा, 10 इंचेस आएगा। ये देखिए 20 का हाफ 10 इंचेस हो जाएगा। आस्तीन की लंबाई फोल्ड नहीं हुई है, ये देखिए आस्तीन तो इसी तरह से रहेगा, इसकी चौड़ाई भी इसी तरह से रहेगी। बस हमारा फोल्ड क्या हुआ है, और नेक जो हमारा नेक 4 इंचेस था चौड़ाई में,
ये देखिए नेक जो 4 इंचेस था चौड़ाई में, अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद कितना बना बन गया है, ये 2 इंचेस बन गया। तो हमारा नेक 2/5, जो इधर से 2 आएगा, जो लेंथ रहेगी वो फोल्ड नहीं होगा, तो उतना ही लेंथ लेना है। ये सामने का गला हो गया, ये पीछे का गला 4.5 है। तो इस तरह से हम मेजरमेंट डालेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग बताएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।